किसके साथ खाते हैं? ये ऐसे ही खाते हैं, ऐसे डायरेक्टली खाते हैं, मतलब पाव की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो डिश है आपने जो बनाई वो कोल्हापुर में ही फेमस है अब, क्योंकि बाहर तो मैंने कहीं देखी नहीं है। कोल्हापुर की है स्पेसिफिक, इसको क्या नाम बोलते हैं? पाव भुर्जी। पाव भुर्जी, अच्छा भुर्जी पाव का पाव भुर्जी। तो दोस्तों अगर आपको ये डिश ट्राई करनी है तो अभी हमें फिलहाल सीबीएस बस स्टैंड पे A1 अंडा राइस ऑमलेट सेंटर नाम से एक शॉप है, तो यहाँ पे एक भाई बनाते। भाई आपका नाम? बिलाल पाटन। हाँ बिलाल भाई अपने बनाते हैं अंडा भुर्जी और बहुत सारी चीजें, और स्पेशल अंडा भुर्जी जो है वो अपनी पाव भुर्जी। जरूर आके यहाँ पे ट्राई करना।